रूपनगर काउंसिल की मीटिंग में हंगामा। कांग्रेस काउंसलरों ने कांग्रेस के ही नगर काउंसिल के प्रधान पर लगाए भेदभाव करने के आरोप। वहीं पानी के बिल माफ के मुद्दे पर हुई थी गर्मा गर्मी। कांग्रेस की धड़ेबंदी आई सामने। नगर काउंसिल रूपनगर की मीटिंग में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेसी काउंसलरों ने अपनी ही पार्टी के काउंसिल प्रधान के साथ तिखी नोकझोंक की। प्रधान के साथ नोकझोंक का कारण कांग्रेसी काउंसलरों के वार्डों में काम ना होना और पानी के बिलों को लेकर था। वहीं काउंसिल के बाहर अकाली दल और बीएसपी के स्थानीय नेताओं, जिसमें नगर काउंसिल के पूर्व प्रधान भी शामिल थे, ने विरोध किया। उनके विरोध का कारण था कि कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों ने काउंसिल चुनाव के समय जनता से जो वादा किया था, उनके जीतते ही पहली मीटिंग में जिनके 5 मरले से कम प्लाट हैं उनको पानी और सीवरेज के बिल माफ़ किए जाएंगे, मगर उन्होंने नहीं किए। वहीं नगर काउंसिल के प्रधान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अकाली दल के परमजीत सिंह मक्कड़ जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने 2017 में यह पानी के बिल लगाए थे और तब कांग्रेस के काउंसलरों ने इसका विरोध किया था, मगर हमने जो वादा किया है वह पूरा किया है। नगर काउंसिल रूपनगर की मीटिंग में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेसी काउंसलरों ने अपनी ही पार्टी के काउंसिल प्रधान के साथ तिखी नोकझोंक की। प्रधान के साथ नोकझोंक का कारण कांग्रेसी काउंसलरों के वार्डों में काम ना होना और पानी के बिलों को लेकर था। वहीं काउंसिल के बाहर अकाली दल और बीएसपी के स्थानीय नेताओं, जिसमें नगर काउंसिल के पूर्व प्रधान भी शामिल थे, ने विरोध किया। उनके विरोध का कारण था कि कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों ने काउंसिल चुनाव के समय जनता से जो वादा किया था, उनके जीतते ही पहली मीटिंग में जिनके 5 मरले से कम प्लाट हैं उनको पानी और सीवरेज के बिल माफ़ किए जाएंगे, मगर उन्होंने नहीं किए। वहीं नगर काउंसिल के प्रधान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो अकाली दल के परमजीत सिंह मक्कड़ जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने 2017 में यह पानी के बिल लगाए थे और तब कांग्रेस के काउंसलरों ने इसका विरोध किया था, मगर हमने जो वादा किया है वह पूरा किया है। ट्रीटमेंट प्लांट है वार्ड नंबर 17 का, उत्थे कूड़ा ना सीटिया जाए तो वह कूड़ा हूं तक बंद नहीं किया गया है। नहीं नहीं, अंदर जेड़ा सुटिया जाता भी उत्थे कूड़ा नहीं सीटना चाहिए, पूरे शहर का कूड़ा उत्थे सीटिया जाता है, उत्थे दे लोग बड़े परेशान हैं। सारे शहर गंद पाया, इन्होंने पाया, क्यों पाया पिट्टा बन गया। बीते वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो, पानी सीवर दे बिल माफ करो। कौंसल दी चोणां वेले शहर के हर एक मोड़ विच, शहर के हर एक वार्ड विच कांग्रेस पार्टी वाले ने जलसे कर करके लोगों नाल वादा किया सी कि असी पहली मीटिंग च जिहड़े पानी और सीवरेज के 5 मरले तो घट लोगों के बिल ने
वह माफ करांगे। पिछले पांच साल भी इन्होंने बड़ा इस गल से रौला पाया कि नगर कौंसल ने पानी और सीवरेज के बिल लाए हुए ने, पर क्योंकि सानू पता थी कि इन्हां दी कांग्रेस की सरकार सी, असीं मते पा के भेजदे सी और बिल साडे जिहड़े आ उह लगे हुए सी, साडे चाहुण दे बावजूद माफ नहीं कीते। हुण कमेटी भी कांग्रेस की है, सरकार भी कांग्रेस की है और चोणां वेले इन्हां ने डट के वादे किए हैं। तुसीं कांग्रेस के कौंसलरां नूं पुछ सकदे हो उन्होंने वादा किया कि नहीं किया कि असीं पहली मीटिंग च ही मता पा के पंज मरले तो घट पानी और सीवर के बिल माफ करांगे। पर माफ तो की करने से, बल्कि पिछले बकाए भी जिहड़े आ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पांच मरले तक जिन्ने भी लोगों के बिल होणगे पानी और सीवरेज दे, असीं पहली ही मीटिंग दा विच इन्हां नूं माफ करांगे और मता पावांगे। अज चौथी मीटिंग चल रही है, सानू नहीं लगता भी अज दे मीटिंग दा विच भी एजेंडा लियांदा गया जां नहीं लियांदा गया। असीं बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल अज सारे इकट्ठे हो गए, ये मंग करदे आ सरकार तों, क्योंकि अज सरकार भी कांग्रेस दी है और म्यूनसिपल कमेटी भी कांग्रेस दी है। असि यह मंग करते हैं भी लोगों के, गरीब लोगों के पांच पांच मरले तो थला जिन्हों के मकान हैं उन्होंने बिल जेड़े माफ होने चाहिए। और मैं थोनों दसना चाहना, साढ़े सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने और श्रोमणी अकाली दल के सूबा प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने आदेश मुताबक असी अज संकेतक धरना दिता है और जदों तक ये माफ नहीं करते असी बड़े पद्धर से इन्हां दी इह राजनीतिक बोटियां बोटियां करके छड्डांगे। पानी के मुद्दे का, पानी का मुद्दा इस तरह है वीर जी भी जो ये चोन प्रचार शुरू होया सीगा ते अकालियां वालों ये लगाया गया सीगा 125 गज के प्लाटा के उत्ते पैसे, जदों की राजा जी वालों ये माफ़ किया गया सीगा चीफ मिनिस्टर के हुक्मां नूं कदी उल्टाना नहीं चाहिए। उस समय भी मैं बड़ा विरोध किया इस गल का, लेकिन असी बहुत घट गिनती च सीगे इस करके गल मनी नहीं, उन्होंने लगा दी और असी जो चोन प्रचार से गए असी घर घर यही गल की बई सानू वोटा पाओ, अगर असी आवांगे तो पहली ही मद तुहाडी पावांगे। लेकिन मैनू बड़ा अफसोस होया क्योंकि जिस टाइम असी वादा किया उस टाइम भी ढिल्लोंसा भी उत्थे सीगे, जिहड़े मौजूदा प्रधान जी बने ने ये भी सीगे, लेकिन ये अपने जबान ते खड़े ने। लेकिन साडा प्रैशर बड़ा रहा कि पाओ जी पाओ जी पाओ जी, लेकिन अज अकालियां वालों उत्थे विरोध किया गया और प्रधान जी वालों टेबल आइटम बना के ये आइटम रख दी, जदों कि मैं समझदा भी ये बड़ी सिस्टम नाल बननी चाहिए सी, लेकिन इन्होंने टेबल आइटम बनाती, पता नहीं इन्हें मंशा उन्होंने डर तो बनाई है। हाँ जी डर तो बनाई है उन्होंने, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है नहीं साड़ी लोगों नाल कमिटमेंट भी सी तो अज यह होया तो भी बड़ा फर्क पाया इस गल का। वो कहते अभी कल अनाउंसमेंट करा गए 15 अगस्त वाले दिन ये अकालिया वालों मैसेज तो यूट्यूब से और फेसबुक कई दिनों तो फ्लोट है, कहन जो मर्जी कहन, तो जे उन्होंने कल ही अनाउंस किया
तो चलो अच्छी गल है, पर इन्हों फिर भी टेबल आइटम नहीं बनानी चाहिए ऐसी सीरियस आइटम जी है, उन्होंने दफ्तरी रिपोर्ट लैके ही बनानी चाहिए, तो जो अमेंडमेंट रिपोर्ट ही होनी चाहिए सी क्या। लेकिन चलो कोई गल नहीं, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, पास करता सर्वसम्मति पास किया, सारे MCA ने किया और सब ने किया। तो मेरी बेनती है भी हूँ सरकार तो पास करा के लेना इन्हों की जिम्मेवारी है, और मैं समझता भी ढिल्लों साहब की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बन गई है, वो सरकारी दरबारे पहुँच रखता और साढ़े इतने वो हल्का इंचार्ज है, तो प्रधान ने भी पास करती, इन्होंने दोहां की बहुत जिम्मेवारी बनती है। अगर इन्हें हूँ नहीं किया इन्होंने या उपरों नहीं करवाया तो साढ़ा तो फिर इस मुद्दे उत्ते विरोध जारी रहेगा, और आने वाले जो चोन इलैक्शन होएगा MLA का उससे सानू नुकसान होएगा। बेहतर है कि इसे पास करता जाए, गरीबों को रिलीफ दी जाए। मैं तो ईवन ये भी कहा भी जोड़े लोग पेनशन लेंदे ने बजुर्ग बिरध, सरकार तो उन्होंने 500-700 रुपये महीना दिंदी है, ब्याज समेत पैसे वापस ले लेंगे, तो वह भी माफ़ होना चाहिए, नीला कार्ड माफ़ होना चाहिए। तो मेरी बेनती पूरी है उन्होंने पाई है और ये होना चाहिए, जो नहीं होंगे तो यदा नुकसान तो रहेगा। मैं नगर कौंसल के जोड़े प्रधान है उन्होंने दोष नहीं लाए, मैं EO साहब को लिख के दिते से अपने वार्ड के काम, मैं EO साहब को पूछा भी EO साहब मेरे काम क्यों नहीं पे, एक अद्धा काम पै गया बाकी क्यों नहीं पे। वो प्रधान जी को इस गल की तकलीफ होगी कि तुम आई मीटिंग देख रहे, हूँ असी अपना दुख दसीए ना, अपने शहर के काम ना कराइए, वार्डा के काम ना कराइए, सरकार साड़ी है साढ़े काम पै नहीं रहे, लोगों के तुम की कराओगे। मैं तो EO साहब को पूछे, प्रधान जी को तो मैं पूछे ही नहीं, ना प्रधान जी को मैं कहा, ना मैं प्रधान जी को कामों बारे कहा, ना कहना। मैं EO साहब को कहा, EO साहब को लिख के दे गया, EO साहब ने कहा मैं SO को भेजे है, SO साहब छुट्टी दे दे, आपे जवाब देंगे। एवं की क्या गल हुई, वो कहें मैं गल याद रखूँगा। वो प्रधान जी पता नहीं कि गलते खींच गए, वो कहता सोनी भाजी मैं थोड़ा सारी जिंदगी दिल से लिख ली, मैं याद रखूँगा। मैं कहना कोई माड़ा लफ्ज कहता, रड़ कढ़ूंगा, कोई गल नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। 2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵੱਡੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕਟਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ। ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ।